हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड थ्री नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 एंड 18 सच दैट। वन, देयर सम इज 25। कंडीशन पहली गिवन है। कंडीशन सेकंड इज द नंबर्स 2 कॉमा ए कॉमा बी आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कंडीशन थ्री, द नंबर्स बी कॉमा सी कॉमा 18 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फॉर एपी सीरीज, एपी सीरीज के लिए कंडीशन क्या होती है? जैसे तीन नंबर से हमारे पास कोई ए बी सी, अगर ये एपी एपी सीरीज में है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, या टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। और जीपी सीरीज के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर जीपी सीरीज के लिए हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये दोनों कंडीशन हो गई एपी और जीपी के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवेन है? क्वेश्चन में हमें यहाँ पे थ्री नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि 2 और 18 के बीच में होने चाहिए। तो इसके लिए हमें जो पहली कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है उनका सम 25 होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या गिवेन है? 2 ए बी तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और वो एपी में है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसमें बीच वाला क्या है? ए है, तो ए इज इक्वल टू बी बी प्लस 2 अपॉन 2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड कंडीशन क्या गिवन है कि बी कॉमा सी कॉमा 18 जीपी में है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर, बीच वाला टर्म आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बी। इससे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है ए की, उसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। इसे हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? ये हो जाएगा ए की जगह बी प्लस 2 अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस एलसीएम ले लेते हैं पूरा, तो b प्लस 2 प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा b प्लस 2b 3b और ये प्लस 2c, और ये हो जाएगा हमारे पास में 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 2c अपॉन 3, ये आ गई। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से हमें फिर सी की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास में? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18b। तो इसे कर लेते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18b। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू ये 48 माइनस 2c अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा, पहले तो ये 3 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 6, ये कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा 288, 6 इंटू 48 288, और ये माइनस का 12c, तो इसको इधर लेके आएंगे सी प्लस 12c माइनस 288 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से हमें 288 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका कि डिफरेंस हमारा 12 आ जाए, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 12। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा 24c माइनस 12c माइनस 12c माइनस 288 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो c प्लस 24, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो c प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा c प्लस 24 और दूसरा आ जाएगा c माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू माइनस 24 और कॉमा 12, ये दो वैल्यूज आ गई हैं। तो हमें इसमें से एक ही वैल्यूज चूज करनी होगी, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें ऐसे तीन नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 2 और 18 के बीच में ही हो, लेकिन यहाँ पे जो c की वैल्यू आ रही है वो एक माइनस 24 आ रही है, तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। तो इसको हम यहाँ से नहीं लेंगे, तो यानी कि अब हमारी जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12।
सी की वैल्यू 12 आ गई। तो अब हम यहाँ से ए और बी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम इधर पुट कर देते हैं तो ये बनेगी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 48 माइनस 2c, 2 इंटू 12 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 48 माइनस 24। 48 माइनस 24 कितना बना, 24, और 24 बाई 3 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से फाइंड कर रहे हैं, तो b प्लस 2 बाई 2, तो यहां से ये हो जाएगा 8 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो तीनों नंबर्स जो है वो 2 और 18 के बीच में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफोर द नंबर्स आर 5, 8, 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।